हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल अभिषेक पॉल वीलॉग्स में। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ चंडीगढ़ जैपनीज़ गार्डन। और आज मैं यहाँ घूमना है और आज आपको बताऊँगा कि चंडीगढ़ जैपनीज़ गार्डन कैसा है और यहाँ क्या क्या है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये एंट्रिंग गेट है, ये फर्स्ट एंट्रिंग गेट है, देख सकते हैं आप। और ये यहाँ से हो रही है शुरुआत जैपनीज गार्डन की, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं और ये पार्क बहुत बड़ा है, तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल, और ये आते ही दिख रहा है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देख सकते हैं आप। ये अभी बंद कर रखा है, इसको घेरा पा रखा है। बाकी आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये देखिए, देख सकते हैं आप। ये इधर इधर भी लॉक लगा हुआ है, इसको बंद कर रखा है। और ये पार्क बहुत बड़ा है, इज द वेरी वेरी ब्यूटीफुल पार्क। एंड और आप देख सकते हैं, और यहाँ पे पेड़ पौधे कितने सारे लगाए हुए हैं हमारी देख रेख के लिए, प्राकृतिक की देख रेख के लिए। जब तक धरती पे पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों से हमारी भी सांसें हैं। तो देख सकते हैं आप इसकी सुंदरता, ये देखिए, लाइट्स का भी कर रखा है यहाँ पे। और ये देखिए सामने, ये देखिए बैठने के लिए बेंचेस दे रखे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा पार्क है और बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे, हर कहीं जगह से यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए। और आप देख सकते हैं सफाई का ध्यान रखते हुए हर प्लेस पे डस्टबिन लगाए हुए हैं। और ये देखिए बच्चों के खाने के लिए यहाँ पे मिठाई वाला भी है। और ये देखिए वॉशरूम भी बना रखा है यहाँ लोगों की सुविधा के लिए। और ये देख सकते हैं आप पेड़ पौधे, ये देखिए, यहाँ पे आपको हर जगह पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे दिखेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, अब ये देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, देख सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, अगर आप चंडीगढ़ आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ज़रूर इस जगह पे आएं और इस जगह पे घूमें। ये देखिए बैठने के लिए बनाया हुआ है, आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, सिस्टर के साथ आ सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे रोज वाले भी हैं। और ये देखिए हम आगे पुल पे, और पुल के उस तरफ का नज़ारा कुछ अलग ही होगा। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरा खाली पड़ा है यहाँ का, ये देखिए। तो दोस्तों, ये है आपका दूसरा गेट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ये देखिए स्लाइडिंग कितनी अच्छी बना रखी है उतरने के लिए। दोस्तों, ये है आपका सेकंड गेट, दिस इज़ योर सेकंड गेट।
और मैं जहाँ से अभी आया हूँ वो फर्स्ट गेट है। और आप देख सकते हैं हर तरफ पेड़ पौधे लगा रखे हैं प्राकृतिक का देखते हुए, और आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे घूम के। ये देख सकते हैं आप बच्चों के लिए यहाँ पे झूले लगाए हुए हैं। ये देखिए कितनी साफ सफाई को ध्यान में रखते हैं, हर तरफ डस्टबिन लगा रखे हैं। और ये देखिए झूले बच्चों के लिए स्पेशली झूले लगाए हुए हैं। ये देखिए अंकल जी मज़े ले रहे हैं पूरे। देखिए देखिए भगवान बुद्ध, दोस्तों ये पार्क बहुत बड़ा है और लोग यहाँ पे आते हैं इन्जॉयमेंट के लिए, इन्जॉयमेंट करते हैं लोग और पेड़ों के नीचे बैठ के वार्तालाप करते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुटिया बनाई हुई है, और आपको मैं कुटिया के अंदर का भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे पत्थर की कुर्सी बना रखी है, देखते हैं आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है अंदर। और ये देखिए आपको हर तरफ यहाँ पे पेड़ पौधे दिखाई देंगे हर तरफ, और बहुत मतलब सुकून मिलता है इस जगह पे आके। ये देखिए और दोस्तों इसके आगे भी अभी बहुत कुछ है। ये जहाँ से मैंने शुरू किया था मैं वहीं पे आ चुका हूँ, और आपको मैं इसके आगे भी दिखाऊंगा, इसके आगे भी बहुत है अभी क्योंकि पार्क बहुत बड़ा है। और इसके साथ में आप देख सकते हैं ये लोगों के लिए, लोगों के घर है पास में ही, और यहाँ के लोगों के लिए ठीक है क्योंकि इनके तो पास में ही पार्क है, ये तो जब चाहें घूम सकते हैं। और देख सकते हैं आप हर तरफ बैठने के लिए लगा रखे हैं किस डिज़ाइन से। देखिए दोस्तों बहुत अच्छी जगह है ये घूमने वाली, और ऐसी ही बहुत सी जगह है चंडीगढ़ में घूमने के लिए, और आपको मैं धीरे धीरे सारे प्लेसेस के बारे में बताऊंगा। देख सकते हैं आप तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये इसका दूसरा राउंड है और मैं इसके आगे भी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए कितना बढ़िया सेटअप बना रखा है इन लोगों ने। और इसके अंदर सीनरीज बना रखी है, ये देख सकते हैं आप। दोस्तों मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ आके, और मैं सोच रहा हूँ कि काश मेरा भी घर यहीं होता तो मैं भी हर रोज इस जगह पे एंजॉय करता। और ये आप देख सकते हैं ये भाग टू आ गया उसका, मैंने आपको बताया था कि ये पार्क बहुत बड़ा, और यहाँ पे भी आपको देखो सुविधा दे रखी है, टॉयलेट्स की सुविधा यहाँ पे भी दे रखी है। और ये देखिए
पौड़ी का सेटअप दे रखा है, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। देखिए, देख सकते हैं आप, और ये देखिए पिक्चर्स सीनरी खड़ी कर रखी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा है, देख सकते हैं। देखें बच्चों के लिए ड्रैगन झूला, आपको ऐसी प्राकृतिक चीज़ें सिर्फ चंडीगढ़ ही में देखने को मिल सकती है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए हेलीकॉप्टर आ रहा है। यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा है, बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे हैं, और आप देख सकते हैं हर जगह बैठने के लिए स्टॉल लगाए हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। भाई प्लीज यार, ये देखिए दोस्तों, मेरे को यहाँ कुछ नशेड़ी लोग मिल गए थे, तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ अपने परमेश्वर यीशु मसीह से कि मेरे को बचाएं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। देखिए दोस्तों लगाए हुए, बच्चे क्या बड़े बुजुर्ग भी इस पे झूल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, और ये झूले लगे हुए यहाँ पे हर जगह। दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।